वेलकम बैक आईएलएच टीवी इंडिया की एक नई वीडियो में आपको बता दें, मौसम को लेकर अभी भी एक ताजा अपडेट निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय, 45 से ज्यादा जिलों में अब फिर बारिश की चेतावनी, मेघ गर्जन वज्रपात का भी अलर्ट। तो चलिए जानते कि अपने अपने शहर का कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो खबर को जानने के लिए बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियों के कारण बारिश का दौर जारी है। फिर देश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के कारण लोगों को राहत मिली है। वहीं बीते 48 घंटों के बीच राजधानी लखनऊ सहित कई जगहों पर बादल बरसे। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक मौसम की स्थिति के संकेत अब फिर मिल रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में मानसून की वापसी होगी और लगातार झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी एक बार फिर भारी बारिश होने की संभावना है। अगले दो दिनों तक भारी, कहीं हल्की, कहीं मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कई आपको बता दें हिस्सों में एक नए चक्रवाती परिसंचरण और निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहे हैं, इसलिए इस स्तर पर मानसून की वापसी की कोई लक्षण आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मानसून की वापसी में देरी होगी। आमतौर पर आपको बता दें 17 सितंबर के बाद मानसून की वापसी होने लगती है। हालांकि आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए नए चक्रवात के चलते अगले 48 घंटों में प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। वहीं आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी में गरज चमक साथ मध्यम कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। वहीं आज यूपी के 45 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अनेक स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही हवाओं की रफ्तार भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच अगर बात करें कि मौसम विभाग ने किन किन जिलों के लिए आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है, तो आपको बता दें मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आज रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, चंदौली, सोनभद्र और वाराणसी में आज आपको बता दें आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड, कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसी बीच अगर बात करें किन जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट की अगर बात करें, तो मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, महुवलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बैराज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, संबल, बदायूं और इसके आसपास के इलाकों में बारिश के साथ बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वीडियो के आखिर में आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश समेत और किन किन राज्यों में है भारी बारिश की संभावना। आपको बता दें देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। गुजरात में भी भारी बारिश से हालात खराब है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात हो रहा है। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत और किन किन राज्यों में है भारी बारिश की संभावना। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अपने 4 महीने के चक्र के आखिरी चक्र में पहुंच गया है। IMD के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जिस कारण देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। IMD ने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश की संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी।